नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। आज एक बदली हुई तस्वीर वुमन कॉलेज गांधीनगर, जिसे हम सब लोग GCW गांधीनगर और GCW परेड के नाम से जैसे हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो GCW गांधीनगर है अब से वो बदले हुए नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये पहल की थी कि जो महानुभावी हैं, जिनका अच्छा जम्मू कश्मीर में नाम है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जम्मू कश्मीर के लिए योगदान दिया है, उनके नाम से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम होंगे, तो उसी की तर्ज पर गवर्नमेंट गांधीनगर वुमेंस कॉलेज जो है अब पद्मश्री पद्मा सचदेवा गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर, ये आज से नाम कहलाएगा। और आप सब जानते ही हैं कि पद्मा सचदेवा जी जो कि लेखिका हैं, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे उनके लिखे हुए गाने लोग गुनगुनाते हैं और हम लोग उन्हें प्यार से बोबो भी कहते हैं, तो उनके नाम से ये महिलाओं का जो कॉलेज है ये अब से जाना जाएगा। और इसके आज इसके इनॉग्रल इसको कर दिया गया है, यहाँ पर इसके बोर्ड बदल दिए गए हैं और जो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था इसको भी कलर अभी बदला गया है, क्योंकि इसको दोबारा से इसकी पेस्टिंग होगी और नया नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन जो शुरुआत सरकार ने की है कि स्कूल्स कॉलेजेस के नाम बदले जाएंगे और ख़ास तौर पर उन पर्सनालिटीज़ के ऊपर रखे जाएंगे जिनका योगदान जम्मू के लिए, जिनका योगदान कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा रहा है और उन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा काम किया है, लोगों को इंस्पायर किया है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन भी किया है, तो ऐसे लोगों के नाम से कॉलेजेस के नाम होंगे। पद्मा सचदेवा जी हैं, वो पद्मश्री भी हैं और उन्हीं के नाम से अब से कॉलेज जो है वो जाना जाएगा। और क्योंकि अभी यहाँ पर एग्ज़ाम्स के चल रहा है टाइम, तो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर है नहीं है, अगर डेली रूटीन में होते जब पहले नॉर्मल था तो यकीनन आज बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी, बहुत ज़्यादा क्राउड होना था, और यकीनन इन बोर्ड्स के साथ आज इस नए नाम के साथ बच्चे जो हैं वो सेल्फीज़ खींचते हुए ज़रूर दिखते, लेकिन तब भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर देखकर बहुत खुश भी हो रहे हैं और उनका यहाँ पर जो इसको लेकर जो एक अपना जो बातचीत है वो भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, वो खुश हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी महिला के नाम पर वुमेन कॉलेज गांधीनगर को जाना जाएगा जो कि बहुत बड़ा रुतबा रखती हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और जो लेखिका भी हैं उनके लिखे हुए किताबें हैं उनको जो है बहुत लोग जो है पसंद भी करते हैं। तो आज इसका जो इनॉग्रेशन है जम्मू कश्मीर सरकार, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर रीनेम्ड एज पद्मश्री पद्मा सचदेवा गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर, और आज के दिन ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने इसका नाम बदलकर यहाँ पर ये बोर्ड्स भी लगा दिए हैं। और आने वाले समय में अगर आपको भी कहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आना है या फिर किसी को कोई एक लैंडमार्क देना है तो यकीनन वो नए नाम के साथ लैंडमार्क देंगे, लेकिन लोगों के ज़ुबान पे फिर भी गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर ही रहेगा, लेकिन महिलाओं से जुड़ा हुआ कॉलेज है और अब नए नाम के साथ यहाँ पर इसकी आज से इनॉग्रेशन जो हो गई है। इसके तहत यहाँ पे कार्यक्रम भी रखा गया है अंदर और रिलीजियस सोशल जो प्रोग्राम है वो भी चल रहा है, लेकिन इसकी इनॉग्रेल सेरेमनी के लिए यहाँ पर इसको सजाया भी गया था और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आए थे इसकी इनॉग्रेशन करने के लिए। और बदले हुए स्वरूप के साथ, बदले हुए नाम के साथ अब गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर को जाना जाएगा जो कि पद्मश्री पद्मा सचदेवा गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन के नाम से होगा। छात्र भी यहाँ लगातार आ जा रहे हैं और बहुत सारे छात्रों को अब जो नए आएंगे उनको उत्सुकता भी होगी कि पद्मश्री जो हैं जिन्हें हम बोबो भी कहते हैं उनके बारे में जानेंगे, वो उनके बारे में रिसर्च करेंगे, और अच्छा है ऐसे इस तरीके से जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं छात्रों को उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और कभी भी, क्योंकि कई बार कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी ऐसे सवाल आते हैं जो कि लोकल, जो कि एक रीजन से जुड़े हुए मेन लोग होते हैं उनके बारे में भी सवाल होते हैं, तो ऐसे तो लोग इसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, और वो पूरा पद्मा सचदेवा के बारे में जब पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पूरे स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या कुछ अचीवमेंट्स हासिल की हैं, तो यकीनन उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी होगी और खुशी भी होगी कि ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर उनके कॉलेज का नाम अब से रखा गया है। और एक बेहतर बड़ी जो तस्वीर है वो दिख रही है और जो सरकार ने जो एक पहल की है कि खास उन लोगों के नाम पर कॉलेज स्कूल्स के नाम रखे जाएं जिनका बहुत अहम योगदान रहा है, तो उसी के तहत आज से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का नाम पद्मश्री पद्मा सचदेवा PG वुमेन्स कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। ब्रजनीश शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।